हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू Adda 24/7। क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ गए हैं मेरे साथ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो जो हम लास्ट क्लास में टॉपिक कर रहे थे, लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन उठाया था, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में, गुड इवनिंग सुषमा जी, गुड इवनिंग राजू, गुड इवनिंग महेंद्र भाई। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन उठाया था पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ यार, मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनवा दिया है। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी आपको चैट में पिन करवा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक बनवा दिया है। अब क्या किया करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देना अपना आंसर। डेली एक दो बच्चे का डेली आंसर उठाऊंगा, अलग अलग बच्चों के आंसर उठाता रहूंगा, जिससे सबको फीडबैक मिलता रहे। और आपको बताऊंगा कि आपका आंसर कैसा है, कहां कहां कमियां हैं और कैसे उसे और ज्यादा हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस हफ्ते वो काम शुरू कर देंगे, ग्रुप बन गया है। गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग नीलेश, गुड इवनिंग यार। जो जो साथ में जुड़ गया है मेरे, सबसे पहले तो सेशन को एक बार जोड़ लगा के शेयर कर दो, सब बच्चों को पता लग जाए सेशन जो है स्टार्ट हो गया है। लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन उठाया था, फ्राइडे वाली क्लास में, जो बेसिकली हमारा क्वेश्चन था डिबेट्स पे था, ठीक है। हमारा जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन था वो जो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होती हैं उसके अराउंड था। हमने देखा था पार्लियामेंट जो बॉडी है वो डिबेट और डिस्कशन के लिए ही बनाई गई है, जिससे एक डिबेट डिस्कशन के थ्रू एक अच्छा कानून भारत में लाया जा सके। क्वेश्चन उसके अराउंड था। गुड इवनिंग निर्मल, गुड इवनिंग मनोज, गुड इवनिंग नीलेश, गुड इवनिंग अखिला, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना भाई। तो हमने इसमें डिस्कशन तो कर लिया था, हमने ये देखा था एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, हमने वो देख लिया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो कि भाई रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है, रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, उन्होंने क्या बात कही है आप वो भी कोट कर सकते हो। उसके बाद बच्चे हम आ गए थे बॉडी पर, और बॉडी में आप स्टार्ट इस बात से कर सकते हो कि मॉनसून सत्र में, मॉनसून सेशन में कुल 20 बिल आए, 20 में से 18 ऐसे थे जिन पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, जिन पर अपने आप में चर्चा ही नहीं। ये दिखाएगा कि पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन का स्तर कितना नीचे की तरफ गिर गया है कि चर्चा ही नहीं हो रही है। और बिल पे अगर चर्चा ही नहीं होगी तो एक अच्छा कानून कैसे बनेगा। आप ये बात जो है इसको कोट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ये बात भी लिखो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो विपक्ष को स्पेस ही नहीं दे रही है डिबेट और डिस्कशन का। देखो यार, एक अच्छी डेमोक्रेसी, एक अच्छा लोकतंत्र उसे माना जाता है जहां पर विपक्ष को यह स्पेस दिया जाता है, विपक्ष को उसकी जगह दी जाती है कि वो सरकार की आलोचना कर सके, और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। देखो बच्चों, एक तो होता है आप केवल सरकार की आलोचना कर रहे हो, एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब है आप जबरदस्ती सरकार की आलोचना नहीं कर रहे। आलोचना करने के पीछे आपका जो मकसद है वो ये है कि बिल में जो बातें गलत हैं उनको हटा के उसकी कमियां दूर करके एक अच्छा कानून बनाया जा सके। तो यहां पर आप इसे भी कोट कर सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो विपक्ष की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो विपक्ष है, हमारी जो ऑपोजिशन है, सरकार उसे मौका नहीं दे रही है कि वो बिल पे चर्चा कर सके। तो आप लिखो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो जरूरी होता है एक लोकतंत्र के लिए, वो नहीं हो पा रहा, उसका मौका नहीं मिल रहा। सरकार जो है वो विपक्ष की लेजिटिमेसी को, लेजिटिमेसी का मतलब होता है कि पब्लिक में एक्सेप्टेबिलिटी जो है, सरकार उसको स्वीकारने को तैयार नहीं हो रही है। गुड इवनिंग नंदिनी, गुड इवनिंग कमल। क्लियर हो रही है सारी बातें, क्लियर हो रही है नहीं? इन सारी चीजों से आपको स्टार्ट करनी है। जब आंसर की बॉडी लिखना शुरू करोगे ना, तो इन सारी बातों के अराउंड अपने आंसर को बुनना है आपको। उसके बाद उसके बाद आप इस बात पर आ जाओगे कि पार्लियामेंट का काम ही क्या है। भैया पार्लियामेंट का काम है क्रिटिसिज्म भी होना, सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूरी है। पार्लियामेंट का काम है डिबेट होना, डेलिब्रेशन का मतलब होता है डिबेट और डिस्कशन होना, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन से ही एक अच्छा कानून सामने आता है और उससे बिल्ड किया जाता है कंसेंसस। उससे आप क्या बनाते हो? कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब है आम राय। तो पार्लियामेंट जो बॉडी बनाई गई है उसका तो असली पर्पस ही ये है कि वहां पे सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो सके, जिससे सरकार को ये पता लगे कि सरकार कहां कहां गलत चल रही है, गलत जा रही है। उसका मेन पर्पस है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन। डिस्कशन से ही एक अच्छा कानून बनता है। उसका मेन पर्पस है कंसेंसस बिल्डिंग, कि वहां पर जितने एमपी बैठे हैं उन सबकी आम सहमति हो पाए एक कानून पे, जिससे कि जब कानून बनकर बाहर निकले, जब फाइनल लॉ बनकर आए, तो वो लॉ जो है वो समाज में भी सब तबकों को एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि तो बैठे हैं वहां पे लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है, ये सारी बातें लिखनी है। यार मेरी तरफ से तो स्ट्रीमिंग सही जा रही है। एक बार दोबारा से सेशन को ज्वाइन करो महेंद्र, अगर आपकी तरफ से हो सकता है प्रॉब्लम हो। बच्चों और सबको भी प्रॉब्लम आ रही है स्ट्रीमिंग की। मेरी तरफ से तो स्ट्रीम सही जा रही है, ठीक है। प्लस इस बात को लिखो, सेकंड पॉइंट को लिखो, डिबेट जो है वो जरूरी है। जरूरी क्यों है? जरूरी क्यों है? जिससे सभी लेजिस्लेशन, मतलब जितने भी बिल पार्लियामेंट में आते हैं उन सबकी स्क्रूटनी हो सके। स्क्रूटनी का मतलब है आप उसे चेक कर सको कि वो बिल सही है या नहीं है, उसके एक एक प्रावधान पर चर्चा हो सके, जरूरी है। इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। भाई सरकार को आप जवाबदेह कैसे ठहराते हो? देखो एक टर्म होता है, आप सबने सुना होगा, गुड गवर्नेंस। एक टर्म होता है गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। अच्छा शासन, अच्छा शासन या गुड गवर्नेंस, इसकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है, इसकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि यहां पर जो सरकार होती है, सरकार अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट सरकार को जवाबदेह ठहरा सकती है, लेकिन कब? जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी। तो अकाउंटेबिलिटी को मेंशन करो, और अकाउंटेबिलिटी को किसके साथ लिंक करो? अकाउंटेबिलिटी को लिंक करो गुड गवर्नेंस। अब देखो यहां पर, अब समझो आपने गुड गवर्नेंस तक अपने आंसर में ले आए हो। यहां पर एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा, वो खुश होगा कि यार आपको गुड गवर्नेंस के बारे में भी पता है, और आप पार्लियामेंट में जो डिबेट और डिस्कशन हो रहे हैं उसे आप गुड गवर्नेंस के साथ लिंक कर पा रहे हो। आपको यह पता है कि गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। समझो इस बात को, आंसर को ना ब्रॉड करते चले जाना है, जितना ज्यादा ब्रॉड कर सको उतना ब्रॉड करना है उस आंसर को। वो कैसे करोगे? जब आप इन सब चीजों में लिंकेज स्टैब्लिश करोगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात करो, अकाउंटेबिलिटी को लिंक करो गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के साथ। बताओ समझ में आ रही है बात? बताओ भाई समझ में आ रही है कैसे आंसर को ब्रॉड किया जाता है, कैसे आंसर को ब्रॉड किया जाता है, कैसे अलग अलग प्रिंसिपल को, अलग अलग सिद्धांतों को जोड़ा जाता है आपस में। इसके साथ साथ आप इसे इंडिया की डाइवर्सिटी से जोड़ो, आप भारत की डाइवर्सिटी, विविधता से इसे जोड़ो। हमारी पार्लियामेंट में हम सभी के प्रतिनिधि हैं। एक जंगल में रहने वाले ट्राइबल से लेकर बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग, हम सबके प्रतिनिधि कहां जाते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं। आप उसे जोड़ो उस बात से, आप इंडिया की डाइवर्सिटी से उसे जोड़ो। जब पार्लियामेंट में डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे यह फायदा होगा कि भारत में, समाज में जितने भी तबके हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सबकी वॉइस, सबकी आवाज जो है वो सुनी जाएगी, और हम सभी के सुझाव जो हैं, एक तरीके से हम सभी के सुझाव उस बिल में शामिल किए जाएंगे। मैं ये नहीं कहता मेरा सुझाव, मैं कह रहा हूं हम सभी के सुझाव। कैसे? मेरा प्रतिनिधि भी वहां बैठा है जिसको मैंने वोट दिया है, आपका प्रतिनिधि भी वहां बैठा है जिसको आपने वोट दिया है। तो यहां पे डिबेट्स इन पार्लियामेंट इंश्योर द व्यूज ऑफ पर्सन हु आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय अ लॉ आर हर्ड एंड एक्टिवली एंगेज। देखो इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल, हमारे जो किसान भाई हैं, इनके प्रतिनिधि भी तो वहां बैठे हैं भाई। पंजाब हरियाणा के किसान थे जो धरने पे बैठे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान था जो धरने पे बैठा था, इन्होंने भी तो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा था। अगर 3 फार्म लॉ लाने से पहले, किसान कृषि बिल लाने से पहले अगर डिबेट होती प्रॉपर, तो किसानों का भी व्यू पॉइंट उस बिल में शामिल होता और फिर जो कानून बनता वो हमारे किसान भाइयों को एक्सेप्टेबल होता, वो लेजिटिमेट होता, समाज में उसके प्रति जो है रोष नहीं होता। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, डिबेट्स इन पार्लियामेंट इंश्योर दैट व्यूज ऑफ पर्सन हु आर एडवर्सली अफेक्टेड। एडवर्सली अफेक्टेड कौन? वो लोग जो उस कानून से, जिन लोगों के ऊपर उस कानून का प्रभाव पड़ने वाला है, उनका भी व्यू पॉइंट शामिल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो डाइवर्सिटी से लिंक करो, उसे डाइवर्सिटी से जोड़ो, भारत की विविधता से उसे जोड़ो। यहां पर क्या है, आपने समाज से उसे जोड़ दिया, आपने सामाजिक मुद्दों से अपने आंसर को जोड़ दिया। क्लियर हुई बात? गुड इवनिंग मोनिका जी, गुड इवनिंग। ठीक है, फिर आगे बढ़ के ये बात करो, अगर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती तो क्या है पार्लियामेंट? पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप की तरह बन जाएगी, रबर स्टैम्प की तरह बन जाएगी। रबर स्टैम्प का मतलब क्या हो गया? सरकार जो बिल चाहेगी वो ले आएगी। जैसे हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे चलते हैं, अपनी डिस्क्रिशन से कोई निर्णय नहीं ले सकते, अपने विवेकाधिकार से कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो हमारी पार्लियामेंट भी क्या बन जाएगी? रबर स्टैम्प बन जाएगी। इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करना है आंसर में। ये आपके आंसर को डाइवर्सिफाइड करेंगे और बेटर करेंगे। एग्जामिनर will be compelled to give you marks. एग्जामिनर बाध्य हो जाएगा आपको अच्छे नंबर देने के लिए अगर आप ये सारी बातें इंक्लूड कर देते हो। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई, क्लियर हो गई? प्लस यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो भी बिल होते हैं, जो कानून बनते हैं, कानूनों की जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जो भी कानून बनता है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कौन करता है? न्यायिक समीक्षा करती है हमारी कोर्ट्स। न्यायिक समीक्षा करते हुए, जुडिशियल रिव्यू करते हुए, कोर्ट्स जो पार्लियामेंट में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, उस पर भी ध्यान देती है। ऐसा इस वजह से कोर्ट को इससे यह पता लगता है कि पार्लियामेंट की मंशा क्या थी, पार्लियामेंट कोई बिल जो लेकर आई, जो कानून लेकर आई, वो क्यों लेकर आई। तो एक कानून का जुडिशियल रिव्यू करते समय, एक कानून की न्यायिक समीक्षा करते समय, ये डिबेट्स, ये डिस्कशन, ये हेल्प करते हैं जुडिशरी की। लेकिन अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो कानून का इंटरप्रिटेशन करते समय जुडिशरी को भी अपनी समझ से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का तो कोई व्यू पॉइंट था ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो डिस्कशन हुआ ही नहीं। तो फिर एक कानून की प्रॉपर न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। तो देखो, debate and discussion are also important because when courts have to interpret a law, one of the things that they consider is debate in the house. हमेशा याद रखना, कानून की न्यायिक समीक्षा जब की जाती है तो कोर्ट इस बात को भी ध्यान देती है, इसे ध्यान में रखती है कि कोई कानून पार्लियामेंट क्यों लेकर आई थी, पार्लियामेंट की मंशा क्या थी उसके पीछे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। लेकिन अगर डिबेट डिस्कशन नहीं होगा तो फिर हमारी जुडिशरी को, न्यायपालिका को यह कैसे समझ में आएगा, कैसे पता लगेगा कि कोई कानून लाने के पीछे हमारी पार्लियामेंट की मंशा क्या थी। तो उस पॉइंट को भी इंक्लूड करो। आपने क्या किया? आपने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को जुडिशरी से जोड़ दिया, आपने स्टेट के दो अंगों में इंटरलिंकेज ले आए हो। तो यहां पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका आंसर अच्छा बनता चला जाएगा। ठीक है महेंद्र जी, देखो हिंदी में ही बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो, जब भी किसी कानून की न्यायिक समीक्षा की जाती है तो हमारी न्यायपालिका इस बात को चेक करती है, इस बात को देखती है कि कोई कानून क्यों लाया गया था, हमारी संसद की क्या मंशा थी किसी कानून को लाने में। वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है किसी कानून की संवैधानिकता को टेस्ट करने में। लेकिन अगर डिबेट डिस्कशन होगा ही नहीं तो फिर हमारी न्यायपालिका को यह कैसे पता लगेगा कि पार्लियामेंट की क्या मंशा थी किसी कानून को लाने के लिए। तो आपने क्या किया, आपने हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को हमारी जुडिशरी की फंक्शनिंग से लिंक कर दिया, और यही है लिंकिंग द डॉट्स। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई अब बात? अब आप आ सकते हो, आप ये भी डिस्कस कर सकते हो आगे बढ़ के, आप इस बात पे भी चर्चा कर सकते हो अपने आंसर में आगे बढ़ के कि डिबेट और डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में कि डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा। यहां पर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज में देखो। सबसे पहली चीज याद रखना कभी भी सरकार को आउटराइटली क्रिटिसाइज मत करना। आप कहीं ना कहीं सरकार के अंडर ही काम करने वाले हो, तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहां पर बैठ के, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप कोई समाज सेवक नहीं बनने वाले, आप बनने वाले हो एक आईएएस अधिकारी। एक आईएएस अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर ही काम करता है, तो आउटराइटली सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। वहां हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप सरकार को क्रिटिसाइज करो, लेकिन एक बहुत ही मेलोडाउन लैंग्वेज में। मेलोडाउन का मतलब क्या है, बहुत प्यार से सरकार को क्रिटिसाइज करो। अगर आप एक समाज सेवक की तरह बहुत बढ़ चढ़ के सरकार को क्रिटिसाइज करोगे ना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ जाओ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट जो है वो हमारी ऑपोजिशन की लेजिटिमेसी को स्वीकार ही नहीं करना चाह रही। गवर्नमेंट का आज की डेट में यह मानना है कि हमारी जो ऑपोजिशन है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट नहीं है यार, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट ही नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट ना होना इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार जो है वो ऑपोजिशन की लेजिटिमेसी को, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लोगों में स्वीकार्यता, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और ये गलत है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में जो ऑपोजिशन होता है ना, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो सबसे पहले तो सरकार को उसकी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, सरकार को ये मानना चाहिए कि भाई ऑपोजिशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑपोजिशन को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मुद्दों पर डिस्कशन किया जा सके। क्लियर हो रही है बातें, बताओ क्लियर हो रही है बातें? और यहां पर आप फैक्ट्स यूज कर सकते हो। देखो, आंसर में जितने फैक्ट्स यूज करोगे उतना आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है, लोकसभा में ऑन एन एवरेज 10 मिनट टू पास अ लॉ एंड द राज्यसभा पास द लॉ इन लेस देन हाफ एन आवर। देखो पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है, लोकसभा में जो बिल पास हुए ना 10 मिनट से भी कम में पास हो गए। क्या 10 मिनट में कोई डिबेट डिस्कशन हो सकता है किसी बिल पे? राज्यसभा में आधे घंटे में कोई बिल पास हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसे ऐड करो अपने आंसर में। छोटे छोटे फैक्ट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें अपने आंसर में जोड़ा करो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर उठने हैं ना जो, आधा आधा एक एक नंबर से उठता है। एक अच्छा आंसर 10 में से आपको 6-6.5 नंबर दिला सकता है, 7 नंबर भी दिला सकता है। लेकिन कब दिलाएगा, जब आप छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दोगे। अदरवाइज पता है क्या होता है, 4-5 नंबर में सिमट जाओगे, 4-5 नंबर में सिमट जाओगे। इस 4-5 नंबर को 6-6.5-7 तक ले जाना है, तो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है, छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। तो यहां पर याद रखो, अपने पास थोड़ा थोड़ा डेटा जो आता है न्यूज़पेपर में उसे लिख के रखा करो, और जहां मौका मिले आंसर में कोट करने का कर दो। जैसे ये है, इसे अपने पास लिख के रख लो, इसे अपने पास लिख के रख लो कि भाई लोकसभा में 10 मिनट से भी कम का डिस्कशन हुआ, राज्यसभा में आधे घंटे से भी कम का डिस्कशन हुआ। अगर इतना कम डिस्कशन होगा तो फिर फायदा ही क्या है। और देखिए कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में मेंस आंसर राइटिंग का जो टेलीग्राम चैनल बनाया है उसका लिंक आ गया। सबसे पहले जाके उसको ज्वाइन कर लो। आप लिंक पे क्लिक करोगे, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, उसे ज्वाइन कर लो। डेली आपको एक क्वेश्चन दूंगा, डेली उसका आंसर लिखना है। हर रोज एक आध बच्चे का आंसर उठाया करेंगे, चेक करेंगे, जिससे सबका आंसर हो जाए चेक, ठीक है। और दूसरी बात यार, सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, सेशन को तेजी से शेयर कर दो, सेशन को तेजी से शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ लो। देखो यार, अगर आप लोग क्लास में नहीं आओगे तो फिर सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप चाहते हो कंटिन्यू क्लासेस चलती रहे, ठीक है, अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पे क्लासेस चलती रहे, आप इन क्लासेस का फायदा उठा सको, तो फिर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ लो, क्योंकि जितना बच्चा आएगा हमें पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर बच्चा नहीं आएगा तो फिर हम भी सोचेंगे यार इतनी मेहनत क्यों करें हम। तो कोशिश ये करो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है कॉमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। सेशन शेयर नहीं किया तो सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, वीडियो लाइक करना भूल गए तो वीडियो को भी जल्दी से लाइक कर लो। और देखो ये रहा डेटा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। देखो भाई ये होता ऑथेंटिक डेटा, ये होता ऑथेंटिक डेटा। कभी भी जब आप आंसर लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, ऐसे ऑथेंटिक डेटा को उठा के कोट किया करो, नंबर बढ़ेंगे, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के डेटा ने क्या कहा, देखो ओनली 17 ऑफ द 82 बिल्स Since NDA government was re-elected in 2019, have been referred to standing committee। देखो बच्चे, standing committee होती है पार्लियामेंट में। जब भी कोई बिल पार्लियामेंट में आता है तो पार्लियामेंट क्या करती है, उन बिल्स को भेजती है स्टैंडिंग कमेटी के पास। स्टैंडिंग कमेटी का काम क्या है, स्टैंडिंग कमेटी क्लॉज बाय क्लॉज, वर्ड बाय वर्ड उस बिल को डिटेल में स्टडी करती है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट डाल देती है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में जब चर्चा होती है किसी बिल पे तो वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही होती है। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी को कोई बिल रिकमेंड नहीं करोगे, स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल नहीं जाएगा, तो फिर डिटेल में कैसे डिस्कशन हो पाएगा, क्योंकि कोई बॉडी है ही नहीं उसके अलावा जो डिटेल में उस पर डिस्कशन करे और उस पर रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट को दे। और 2019 से, जब से सरकार दोबारा इलेक्ट होकर आई है, 2019 से 82 बिल में से, 82 बिल में से केवल 17, ओनली 17 बिल्स हैव बीन रेफर्ड टू स्टैंडिंग कमेटी। अगर स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति पे बिल जाएगा ही नहीं तो फिर उस पे डिटेल स्क्रूटनी कैसे होगी, और फिर पार्लियामेंट का फायदा ही क्या है। तो ये सारी चीजें अपने आंसर में आपको लिखनी है। गुड इवनिंग सुरेश, गुड इवनिंग सौरभ। सी सौरभ पूछ रहे हैं जैसे सर आप फ्रेम कर रहे हैं पॉइंट्स को, हम कैसे फ्रेम करेंगे। सौरभ देखो, आंसर फ्रेम करना ना धीरे धीरे आता है, आंसर फ्रेम करना धीरे धीरे आता है। मैं यहां पर अभी आपसे नहीं कह सकता भाई ऐसे लिख दो और ऐसे लिख दो। आपको क्या करना है, आपको दिमाग में आंसर का एक स्ट्रक्चर बना लेना है कि जैसी क्वेश्चन आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे ना तब वहां पर समझाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं तब वहां पर समझाता हूं। फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म कर लूं मैं जल्दी से, ठीक है। अब फाइनली, मैंने आपसे कहा था फाइनली क्या है वे फॉरवर्ड। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया, आपको जो अधिकारी बनाया जाएगा, आपको जो आईएएस बनाया जाएगा, वो क्यों बनाया जाएगा, वो इसलिए बनाया जाएगा जो भी कमियां चल रही हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी वीकनेस है, आप उस वीकनेस को दूर कर सको। तो दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव है, सरकार वो भी देखेगी। तो यूपीएससी में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है कि आप वे फॉरवर्ड बता पाते हो या नहीं बता पाते। वे फॉरवर्ड मतलब सुझाव, सजेशन, आपके पास सुझाव हैं या नहीं है, और अगर सुझाव हैं तो किस प्रकार के हैं। गुड इवनिंग रोहित जी, गुड इवनिंग, ठीक है। आपके पास सुझाव हैं या नहीं है, और सुझाव हैं तो किस प्रकार के हैं। जिस बच्चे के पास, आप खुद सोचो, जिस बच्चे के पास सुझाव नहीं है, जिसके पास वे फॉरवर्ड ही नहीं है, यूपीएससी आपको क्यों सिलेक्ट करेगी भाई। क्या क्या प्रॉब्लम है समाज में, क्या क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में, यूपीएससी को ऑलरेडी पता है। प्रॉब्लम बताने के लिए उनके पास नहीं जा रहे हो, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए सर्विस में जा रहे हो, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, वे फॉरवर्ड से। अब देखो इस आंसर में, वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते थे, आप लिखो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। अब ये पॉलिसी क्या है, ये 2014 में आई थी। 2014 में एक पॉलिसी लेकर आई थी पार्लियामेंट जिसका नाम है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या होता है, जो भी विभाग, जो भी मंत्रालय कोई नीति लाना चाहता है, वो क्या करता है, उस नीति का एक आउटलाइन, एक खाका जो है अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देता है। जब वेबसाइट पर वो बिल आ जाता है तो यहां पर वो पब्लिक डोमेन में आ गया है, जनता के सामने आ गया है। अब उस बिल पर जनता अपने सुझाव दे सकती है, आप और मैं, हम अपने सुझाव उस बिल पर दे सकते हैं। लेकिन कब देंगे, जब वो बिल पहले हमारे सामने आएगा और वो कैसे आएगा, वहां पर क्या होता है, जो भी मंत्रालय बिल लाने वाला होता है उस बिल को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, लगभग एक महीने तक वो वेबसाइट पर रहेगा। अब यहां पर पब्लिक अपने सुझाव दे सकती है, वो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी। इस पॉलिसी को फॉलो किया जाना चाहिए। यह पॉलिसी जो है फॉलो नहीं हो रही है। अगर आप इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करोगे तो फिर ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी लाने का फायदा ही क्या हुआ। तो आप लिखो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी जो 2014 में बनाई गई थी, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उस पॉलिसी पर चले, उस पॉलिसी पे काम करे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए सरकार जो भी बिल लाना चाहती थी उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देती थी और पब्लिक जो है अपना ओपिनियन दे सकती थी। प्लस पब्लिक अगर कोई अच्छा सुझाव दे रही है तो उस सुझाव को भी बिल में इंक्लूड करना चाहिए। यहां पर क्या होगा, आप जनता को पार्टिसिपेशन दे दो, आप जनता को सहभागिता दे रहे हो। और प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी क्या कर रही है, ये हमारी डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी बदल सकती है। देखो बच्चे, जो लोकतंत्र होता है, मैं अभी चैनल का नाम शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन हुआ हुआ है चैट में, आप दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो, हो जाएगा, नहीं तो मैं नाम बता दूंगा आपको। देखो, डेमोक्रेसी जो होती है ना, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां पर जनता प्रशासन, शासन की प्रक्रिया जो है उसमें सहभागिता कर सकती है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पे शासन करते हैं। जैसे भारत, हम क्या करते हैं, हम लोकसभा को चुन देते हैं और लोकसभा क्या करती है, हमारे लिए नीतियां बनाती है, कानून बनाती है। लेकिन ये प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को किसमें चेंज कर रही है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चेंज कर रही है। तो इस बात को ऐड करो, वहां बात करो कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी जैसे मूव्स, जैसी पहल, ये हमारे लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए। वहां बात करो, ये सहभागिता दे रही है, पार्टिसिपेशन प्रोवाइड कर रही है, और पार्टिसिपेशन, सहभागिता क्या है, गुड गवर्नेंस है। तो ये सारी बातों की जब आप लिखोगे तब आपका एक अच्छा आंसर बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे, बताओ। और फाइनली अब लिखना है कंक्लूजन। देखो, सबसे पहली चीज, ये जो वर्ड लिखे हैं ना, कंक्लूजन, बॉडी, ये मैंने आपके लिए लिखे हैं। जब आप आंसर लिखोगे ना तो ऐसे ये शब्द नहीं लिखा जाएगा, ये वर्ड नहीं लिखा जाएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है। ऐसे वर्ड, ऐसे डायरेक्टिव लिखे नहीं जाते, कंक्लूजन डायरेक्टली लिखा जाता है। कंक्लूजन में देखो आप क्या लिख सकते हो, आप बात करो फाउंडिंग फादर्स की, आप बात करो हमारी संविधान सभा की। हमारी संविधान सभा ने लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान क्यों किया, फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसिडरिंग द फैक्ट इट विल बी मोर स्टेबल इन इंडियाज प्लूरलिज्म एंड हेट्रोजिनिटी। देखो वही बात आ गई, मैंने आपसे क्या कहा था, हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है, बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। आप कंक्लूजन में वही बात लिखो ना, हमारे यहां हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, संसदीय व्यवस्था, हमने भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको पता है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया था, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम इसलिए अपनाया था क्योंकि पार्लियामेंट्री व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में जितने भी डाइवर्सिफाइड लोग भारत में रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग जो भारत में रहते हैं, उन सबको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, प्रतिनिधित्व मिल जाए। और वो किसके जरिए मिलता है, वो मिलता है पार्लियामेंट के जरिए। क्यों, क्योंकि हमारी लोकसभा जो है, लोकसभा में भारत के कोने कोने से चुने हुए व्यक्ति पहुंचते हैं। तो मतलब भारत में जितने प्रकार के लोग रहते हैं, जितनी विविधताएं हैं, सब कहां हैं, सब दिखती हैं लोकसभा में। ठीक हुई बात। हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते थे लोकसभा को हम अपनाएं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएं। क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्हें दिख रहा था पार्लियामेंट्री सिस्टम के फायदे क्या होते हैं। लेकिन अगर लोकसभा अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभाएगी तो फाउंडिंग फादर्स का जो सपना था, जिस प्रकार का भारत वो स्थापित करना चाहते थे, वो नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन में लिखो इस बात को कि फाउंडिंग फादर जो थे, फाउंडिंग फादर कौन है? संविधान सभा की बात की जा रही है कि हमारी संविधान सभा ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। संसदीय व्यवस्था अपनाने के पीछे उनका मोटिव क्या था, मकसद क्या था? कि भारत की विविधता जो है, प्लूरलिज्म, विविधता जो है भारत की, डाइवर्सिटी जो है भारत की, उसको शामिल किया जा सके। ठीक है, लेकिन अगर डिबेट और डिस्कशन नहीं होगा तो आप ये जो प्लूरलिज्म है, ये जो हेट्रोजेनिटी है, डाइवर्सिटी है, आप कहीं ना कहीं इसको नेगेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इसे शामिल नहीं करना चाह रहे हो। देखो लिंक फिर आ गया है, लिंक फिर आ गया है मेंस आंसर राइटिंग का। एक बार उस पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, हां भाई, पिछला वाला आंसर यहां खत्म हो गया, नया क्वेश्चन लेकर आया हूं, नया क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और शेयर कर दो सेशन को, शेयर कर दो सेशन को। ठीक है, नया क्वेश्चन लेकर आता हूं अब। और देखो बच्चे, आज जो आपको आंसर लिखना है, आज जो आपको आंसर लिखना है, आज आपको इस पे आंसर लिखना है। आपका आंसर जो चेक होगा, ये वाला चेक होगा, आपको आज इस पे आंसर लिखना है। कोविड पेंडेमिक पे सवाल है, सवाल किस पे है? कोविड पेंडेमिक पे है सवाल। ठीक है, कोविड पेंडेमिक brought out stark inequalities among the families with respect to access to digital mode of school education। कोविड महामारी ने स्कूली शिक्षा के डिजिटल मोड तक पहुंच के संबंध में परिवारों के बीच असमानताओं को उजागर किया, चर्चा कीजिए। आज जो आप आंसर लिखेंगे वो इस पर लिखेंगे, ये है आपका सवाल आज का। क्लियर है बात? जो टेलीग्राम चैनल पर आप आंसर भेजोगे अपना, वो ये वाला आंसर भेजना है, कोविड पेंडेमिक। देखो यार, पिछले साल की बात है, कोविड पेंडेमिक बहुत बड़े लेवल पे फैला, भारत में भी फैला। हमने देखा कि भारत को जूझना भी पड़ा कोविड पेंडेमिक से, और अब दोबारा से कोविड पेंडेमिक आ रहा है, दोबारा से ओमाइक्रॉन जो है वो फैलता चला जा रहा है। तो जब पिछले साल भारत में कोविड पेंडेमिक फैला तो उस समय स्कूल और कॉलेज हो गए बंद, स्कूल और कॉलेज हो गए आपके सारे बंद। यहां पर बच्चों की जो शिक्षा चल रही थी वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुई, और कैसे? ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ा। जैसे आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन एजुकेशन में हो, ऐसे स्कूल स्तर पर, स्कूल के स्तर पर भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की तरफ जाना पड़ा। सवाल आपसे वही पूछ रहा है, कोविड पेंडेमिक ब्रॉट आउट stark inequalities among families with respect to access to digital education। सबसे पहले तो आप मुझे यह बताओ, सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताओ आप क्वेश्चन को क्या समझे हो। सबसे पहले देखते हैं आपकी कॉन्टेक्सुअल क्लैरिटी। कॉन्टेक्सुअल क्लैरिटी, क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है? क्या आप समझ पाए हो सवाल आपसे क्या पूछना चाह रहा है? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आपके हिसाब से सवाल क्या पूछना चाह रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। कोविड पेंडेमिक ब्रॉट आउट स्टार्क इनइक्वालिटीज अमंग फैमिलीज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू डिजिटल मोड ऑफ स्कूल एजुकेशन। कोविड महामारी ने स्कूली शिक्षा में डिजिटल मोड तक पहुंच के संबंध में परिवारों के बीच असमानताओं को उजागर किया, चर्चा कीजिए। आपको डिस्कस करना है, बताओ भाई क्या समझे हो, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में क्या समझे हो आप सवाल से। सवाल क्या पूछने की कोशिश कर रहा है जरा बताओ। क्या आप सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझ पाए हो कि ये जो सवाल बना है ये क्यों बना है, क्या पूछने की कोशिश की जा रही है यहां आपसे? जल्दी जल्दी और सेशन शेयर नहीं किया है तो यार मैं फिर से कहूंगा सेशन को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ लो। आंसर राइटिंग है, मेंस तभी निकलेगा जब अच्छे से आंसर लिखना आएगा। टॉपर तभी बनोगे आईएएस में जब एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो टॉपर बनना है तो आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी। हाउ कोविड ब्रिंग डिजिटल डिवाइड। अच्छा, नंदिनी कह रही है कोविड डिजिटल डिवाइड कैसे लेकर आया, ठीक है। नीलेश कह रहे हैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब किया है। फाइनेंशियल बैकग्राउंड को इनडायरेक्टली डिस्क्राइब किया, चलो ठीक है नीलेश, इस तरीके से समझे हैं, बाकी बच्चे समझे ही नहीं है। ड्यूरिंग कोविड-19 इंपैक्ट ऑफ इनइक्वालिटी अमंग एजुकेशन, सर ठीक है। राजू ने जो बात कही है वो मुझे काफी ठीक लग रही है। रूही कह रही है एक्चुअली कंडीशन कुछ भी हो लेकिन एजुकेशन नहीं रुकी। देखो बच्चे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, कोविड पेंडेमिक ब्रॉट आउट। ब्रॉट आउट का मतलब होता है उजागर किया है। ब्रॉट आउट का मतलब क्या है, सामने लेकर आया है, उजागर किया है। कोविड पेंडेमिक ब्रॉट आउट स्टार्क इनइक्वालिटीज अमंग फैमिलीज विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मोड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखो सवाल सीधा सीधा है, हमारे यहां अगर आप देखो यह कहा जाता है दो भारत बसते हैं, दो भारत बसते हैं, डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, भारत में अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी मोबाइल तक पहुंच नहीं है, जिनकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, जिन्हें इंटरनेट नहीं चलाना आता। कोविड जब आया, जैसे ही कोविड आया शिक्षा जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, लेकिन ये जो शिक्षा ऑनलाइन शिफ्ट हुई इसने इस बात को उजागर किया कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड है। तो कोविड ने इस बात को उजागर किया है कि भारत में आज की डेट में जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, वहां पर डिजिटल डिवाइड है। आपको इस पे चर्चा करनी है, आपको यह बताना है, ठीक है, आपको इस बात पे चर्चा करनी है, यह बताना है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं, सवाल आपसे यह कह रहा है कि जैसे ही कोविड पेंडेमिक आया तो शिक्षा के मामले में, ऑनलाइन एजुकेशन के मामले में जो भारत में डिजिटल डिवाइड है वो हम सबके सामने आ गया। पहले भी था, ऐसा नहीं है कोविड से पहले डिजिटल डिवाइड नहीं था, लेकिन कोविड ने इस बात को उजागर कर दिया क्योंकि एकाएक एकदम से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली वो कहां शिफ्ट हो गई, ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। स्कूल में जो आपको शिक्षा मिल रही थी अब वो कैसे मिलती है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मिलती है। पहले आप कॉलेज जाया करते थे, अब आप कॉलेज नहीं जाते हो, अब आप घर बैठ के ऑनलाइन कॉलेज की क्लासेस जो है उनको देखते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं जिनके माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्डेबिलिटी का मतलब यहां है उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक यह पता ही नहीं है इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में। उन बच्चों तक तो ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच ही नहीं पा रही है। सही बात हुई या नहीं हुई, सवाल आपसे यह पूछ रहा है। क्लियर हुई बात, बताओ भाई सवाल क्लियर हो गया, सवाल क्लियर हो गया। महेंद्र भाई देखो यह रहा हिंदी का सवाल, यह रहा हिंदी का सवाल, हिंदी में ऐसे लिखोगे आप, हिंदी में आंसर लिख के भेजो, मैं चेक करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है ना, आप आंसर लिखो। बिल्कुल सही बात है नीलेश, जो आप कह रहे हो वो भी सही बात है, मैं उसको डिनाई कर ही नहीं रहा। हमारे यहां जो डिजिटल डिवाइड है वो कहीं ना कहीं हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है राजू, बहुत बढ़िया। राजू कह रहे हैं रिसेंटली हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, उसने ट्राइबल लोग, जो जनजातीय लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे नए इनिशिएटिव लेकर आई है। तो बहुत बढ़िया है, उसे अपने आंसर में लिखना। देखो उसे अपने आंसर में कैसे लिखना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है, उसे अपने आंसर में शामिल करना। किस नाम से, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। कि सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं डिजिटल डिवाइड को खत्म करने के लिए। प्लस अगर सरकार की पहल के अलावा आपके दिमाग में भी कोई सुझाव है तो वे फॉरवर्ड में उसे भी मेंशन करना। समझ रहे हो मेरी बात, वे फॉरवर्ड में उसे भी मेंशन करना। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम एक्सेप्टिंग दैट। It shows that there is disparity in the income, there is disparity in the society when it comes to economy. बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उस बात को तो डिनाई किया ही नहीं जा रहा है। क्लियर हो गई बात? बताओ यार, समझ में आया सवाल क्या पूछना चाह रहा है? समझ में आया? अब देखो, जब आप आंसर बनाओगे तो आंसर कैसे लिखना है। पहली चीज, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको इस पे आंसर लिखना है, ठीक है? सवाल यह है, इस पे आंसर लिखना है। अब देखो क्या क्या लिख सकते हो यहां पर। पहले आप इंट्रोड्यूस करो, आप इंट्रोड्यूस करो। अब देखो इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है, इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है। आप इस बात से शुरुआत कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज फ्लैग्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे चर्चा की है कि डिजिटल डिवाइड भारत में बढ़ती चली जा रही है, और जितनी ज्यादा डिजिटल डिवाइड भारत में होगी उतना भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे ही तो भारत का भविष्य हैं। अगर उन बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी तो फिर भारत का भविष्य कैसे सुनहरा होगा। आप ऐसे इसकी शुरुआत कर सकते हो। क्लियर हुई बात? इट ऑब्जर्व्ड दैट डिजिटल डिवाइड कॉज्ड बाय ऑनलाइन क्लासेस विल डिफीट द फंडामेंटल राइट ऑफ टू एजुकेशन। देखो, अगर डिजिटल डिवाइड होगी तो आर्टिकल 21A कहीं ना कहीं आप बच्चों का शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। तो जब स्टार्ट करो ना अपना आंसर, कुछ ऐसे शुरुआत करो, कुछ ऐसे स्टार्ट करो। समझ में आई बात? बिल्कुल सही बात है। नंदिनी कह रही है यूपी की सरकार जो है उसने टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे फ्री में, तो बिल्कुल सही बात है। लिखो उसे अपने आंसर में एग्जाम्पल की तरह कोट करो। देखो, जितना दिखाओगे ना सरकार अच्छा कर रही है उतना सरकार भी खुश होती है। यह ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, आंसर राइटिंग में थोड़ा डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में थोड़ा सा डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करोगे खुल के। हां, सरकार जो अच्छा कर रही है अपने आंसर में दिखाओ, जिससे सरकार जो है वो खुश हो थोड़ी। सरकार को ये लगे हाँ भाई, ये बंदा हमारी तारीफ भी कर रहा है, इसके पास सुझाव भी हैं, तो इसको बना दो आईएएस अधिकारी। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ा सा डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा डिप्लोमैटिक होना पड़ेगा। तो चलो यार, आज आपका काम ये है। मैं क्वेश्चन यहां पर छोड़कर जा रहा हूं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। ये रहा सवाल। आज आपका काम यह है, इस सवाल का उत्तर आपको लिखना है, इस सवाल का जवाब लिखना है। मैं साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है? और कल इसका जवाब क्या होना चाहिए उसे डिस्कस करेंगे, और आप में से एक या दो बच्चे का आंसर मैं यहां पर लाइव क्लास में डिस्कस करने वाला हूं। और चिंता मत करना, देखो ऐसा ना हो जाए कि जिसका आंसर डिस्कस किया वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, जिसका नहीं किया वो बेचारा दुखी हो जाए, ऐसा मत करना। हर रोज एक दो बच्चे का आंसर मेरे सामने आता रहेगा। डेली आप में से एक आध दो बच्चों का आंसर मैं चेक करने की कोशिश करूंगा, जिससे सबको मैं पर्सनली एडवाइस भी कर पाऊं और देख भी पाऊं आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। तो धीरे धीरे करके सबके आंसर डिस्कस होंगे, तो टेंशन मत लेना कि भाई मेरा हो गया या किसी का नहीं हुआ तो उसे लगे दुखी हो जाए कि भाई आंसर डिस्कस नहीं हो पाया। सबका आंसर बारी बारी से डिस्कस होगा। क्लियर है? बिल्कुल सुषमा जी, फ्री वाईफाई बिल्कुल डिजिटल डिवाइड जो है उसको रिड्यूस करेगा। और कितने वर्ड्स में लिखोगे, ध्यान रखना कितने वर्ड्स का, 250 शब्दों में आंसर लिखना है, 250 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? और फिर से आपसे यही कहूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि आंसर वहीं भेजोगे, आंसर वहीं भेजे जाएंगे। ठीक, सेशन को शेयर कर दिया करो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, हम जो यहां पर खड़े होकर आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है। ये जो डिजिटल डिवाइड की वजह से आपको एजुकेशन नहीं मिल पा रही ना, मुझे पता है यूपीएससी की तैयारी करना बहुत महंगा पड़ता है बच्चों के लिए, हम यहां फ्री में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहे, देखो अगर बच्चे नहीं आएंगे, ज्यादा बच्चा हमारे साथ नहीं जुड़ेगा, तो हमारा भी मोटिवेशन लेवल धीरे धीरे डाउन चला जाएगा, हमें भी ये लगेगा यार हम इतनी मेहनत क्यों करें, सुबह से शाम तक यहां खड़े होकर पढ़ाते गले में दर्द हो जाता है, तो हम भी ये सोचेंगे यार हम इतनी मेहनत क्यों करें जब बच्चा आना ही नहीं चाहता क्लास में। तो अगर आप चाहते हो सेशंस ऐसे ही कंटिन्यू रहें तो बच्चों को अपने साथ जोड़ दो, जितना ज्यादा बच्चा आएगा, जितना सेशन बच्चे देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो ये सेशंस ऐसे ही चलते रहे, आपको फ्री में ये सब जो भी हम गुण समझा रहे हैं ये डेली फ्री में आप समझते रहो, तो प्लीज सेशन को शेयर कर दिया कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबा लो, सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको लगा है ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, आपने आंसर राइटिंग के बारे में सीखा है इसमें, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कल 12 बजे आपसे मुलाकात होती है, पहले पॉलिटी का सेशन, याद रखना 12 बजे पॉलिटी का सेशन होता है, एम लक्ष्मीकांत कवर करवा रहा हूं, पूरी बुक कवर कराऊंगा, और 4 बजे आंसर राइटिंग के सेशन में आपसे मिलेंगे। कल आप में से 2-3 बच्चों का कोशिश करूंगा आंसर रिव्यू कर दूं, ठीक है बच्चे। तो कल मुलाकात होती है 12 बजे और उसके बाद 4 बजे आंसर राइटिंग के सेशन में। देखो डेली मीडिएशन साहब ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन आईएएस अधिकारी बनना है। भाई देखो आईएएस अधिकारी बनने के लिए मैं राह दिखा सकता हूं, लेकिन डेली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डेली सेशन में आओ, हमारे साथ जुड़ो, जब डेली सेशन में आओगे, पढ़ाई करोगे, ऑटोमेटिकली आपका रास्ता जो है ना आईएएस अधिकारी बनने का वो खुलता चला जाएगा। तो डेली आया करो, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, गाइडेंस नहीं मिल पा रही, यहाँ हम फ्री में वही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेली आ जाया करो, सेशन में जुड़ा करो, डेली अटेंड करो, आप देखना आपकी तैयारी निखरती चली जाएगी। कल 12 बजे मिलता हूँ पॉलिटी की क्लास में, ठीक है। चलिए भाई, बाय बाय।